यस, 12th A के सभी छात्र, मैं आपको फिजिक्स स्टार्ट कराऊं उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूं। आपको मालूम है कि बोर्ड का 70% इंटरनल वैल्यूएशन हो रहा है और 30% बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएगा। जितना अभी तक हमें इंस्ट्रक्शन मिला उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सभी छात्र और उनके फ्रेंड और जो कांटेक्ट में हो उनको आप जरूर बता दें कि वो एंड्रॉइड मोबाइल का अरेंज कर लें, अपना बोर्ड का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद जितना अभी तक हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसमें ये प्रोसेस है कि आपका 15-15 दिन में एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका वैल्यूएशन होगा और ये नंबर बोर्ड को भेजे जाएंगे। इसलिए अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए सीरियसली लें। जो छात्र बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं वे सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना बोर्ड परीक्षा का फॉर्म सब आके ऑफिस में हो तो जमा करें, ये आवश्यक है। आपका अगर एडमिशन हो चुका है तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना शुरू कर दें। और जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको ग्रुप में हो तो जुड़ने के लिए बोलें, और पढ़ाई से अच्छे नंबर की तैयारी करें जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनको। चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ फिजिक्स। फिजिक्स में डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट में मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव बता रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव, छात्र ध्यान रखेंगे ये मैं समझा रहा हूं, जहां आपको करना है उसको पॉज करके देखेंगे। पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जा चुकी है, उससे पूरे नोट्स बना के आप देख लेंगे। यहां समझने की कोशिश करिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बराबर और विपरीत आवेश जो अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर हो, सूक्ष्म दूरी पर हो, इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, हम इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल जैसे HCl, H+Cl-, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, सफिशियंट टाइम रहता हमारा लिखा हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये मान लो प्लस क्यू है, ये कैसा है माइनस क्यू। आपको मालूम है कि ये HCl में थोड़ा सा बॉन्डिंग होती है, इसी को अगर मैं ऐसा होता डिफाइन करूं तो ये मेरे पास ऐसा चला जाता है, एक माइनस क्यू और एक कैसा हो गया प्लस क्यू। ठीक, अगर इनके बीच की दूरी मैं ले लूं, ये 2L है, दोनों के बीच की दूरी चाहे वो कितना भी छोटा हो हम दूरी 2L लेते हैं। ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी ये 2L बहुत कम होती है, इस पूरे निकाय को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये निकाय मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, इसके मापन के लिए सपोज करिए मैंने एक विद्युत क्षेत्र में, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जा रहा है, HCl को लटका दिया तो Cl माइनस है, वो किस साइड अटैक हो जाएगा या किस साइड मूव करेगा, प्लस के साइड, और H प्लस है तो किस साइड घूमेगा माइनस के साइड। यानी मेरे पास कैसा होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा लेता हूं E,
और ई को देखूं तो ई का डायरेक्शन प्लस से माइनस के साइड जाता है, इसलिए अगर HCl को रखूं तो Cl मेरे लिए इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, यानी माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, और ये घूम जाएंगे। इसलिए घूमने की कंडीशन के कारण इसका जो मापन होता है, इसके मापन को या इसको डिफाइन करने के लिए, इसके पावर को डिफाइन करने के लिए मैं टर्म लेके चलता हूं वैद्युत द्वि ध्रुव आघूर्ण, ये लेके चलता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको मैं P से शो करता हूं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा पॉज करके, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मेरे पास ये चला जाता है वैद्युत द्वि ध्रुव आघूर्ण, इसको मैं P से शो करता हूं, P ये चला जाता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। ठीक, ये आपके पास कैसा हो गया, माइनस Q, ये हो गया प्लस Q, इनके बीच का सेपरेशन 2L, डायरेक्शन इधर से इधर चला जाता है। तो P हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया कि इसका पावर कितना है, इसका पावर डिफाइन करने के लिए मैंने इस P को डिफाइन किया, तो ये आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, यानी किसी एक आवेश का परिणाम Q और इन दोनों के बीच की दूरी 2L। तो ये मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करने लगता है। इसकी दिशा, दिशा मेरे पास हमने फिक्स कर दी है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र में हो तो लटकाएं, तो ये माइनस से क्यू साइड अरेंज हो जाता है, इसलिए इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ये मेरे पास इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो जाती है। अब आपको मालूम है कि इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू के साइड होती है, इसका मतलब है ये कैसी क्वांटिटी है, इसका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये कैसा हो गया, सदिश राशि है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू का यूनिट कूलाम, दूरी का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या जाता है, कूलाम मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव को लटकाऊं तो ये माइनस से क्यू के साइड अरेंज हो जाता है, इसकी दिशा माइनस से प्लस के साइड होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड एक आवेश का होगा उतने ज्यादा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करता है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाने लगता है। इसको आप पॉज करिएगा, नोट करिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए, अब आपको मैं बता रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर एक वैद्युत ध्रुव को लटकाया, यानी सपोज करिए यहां पर H है और ये Cl है, ये प्लस है माइनस है, तो ये भी तो अपना इफेक्ट देंगे, ये दोनों अपना इफेक्ट देते हैं, और दोनों क्या करते हैं, अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न करते हैं। तो इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर दो स्थिति में लेके चल रहे हैं, वैद्युत द्वि ध्रुव के कारण। पहला हमारे पास अक्षीय स्थिति है, के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए मैं इसको निकाल रहा हूं, है ना, मैं इसको करने के लिए क्या करता हूं, यहां पर देखिए दो आवेश ले लेता हूं वैद्युत ध्रुव का, एक माइनस क्यू और एक क्या ले लिया हमने, प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी 2L मान ली, ठीक, इसका मिड पॉइंट O ले लिया,
इसके मिड पॉइंट ओ से पी दूरी पर स्थित एक बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया था कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उस बिंदु पर आप क्या करिए, एकांक विद्युत धनावेश की कल्पना कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपके पास प्लस क्यू, यहाँ पर एकांक धनावेश रखा मैंने। और ध्यान रखिएगा, इसकी जो भी दूरी नापूंगा वो मैं इसके मिड पॉइंट से नापता हूँ। मान लो ये दूरी आर है, ये हो गया आपके पास एल, ये हो गया एल। तो मान लीजिए ये बिंदु पी है, इस पर तीव्रता निकाल रहा हूँ। तो जहां पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होती है वहां पर एकांक धनावेश की कल्पना करता हूँ। तो प्लस क्यू, ये पॉइंट मैं क्या कर लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट बी मान लेता हूँ, जिसमें प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू के कारण आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रहेगी, ये प्लस है तो ये बाहर प्रतिकर्षित करेगा। इसको मैं ई बी से शो कर दे रहा हूं। ठीक, ये माइनस है, इस धनावेश को अपने साइड आकर्षित करेगा, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी इधर पे आ जाएगी। तो ये हो जाएगी ई ए के इक्वल, ये चला गया। ठीक, क्लियर। तो मैं यहाँ पर ई ए और ई बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं ई ए और ई बी की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो देखिए आपके पास क्या हो गया, ई बी इक्वल टू प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ये कितने के इक्वल होगा, अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू ये हो गया। ठीक है, आर क्या हो गया हमारे पास, आर बी और पी के बीच की दूरी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी पी स्क्वायर। ठीक, इसको और मैं सॉल्व करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, व्हाट इज बी पी, बी और जो पी है ये देखिए मिड पॉइंट से डिस्टेंस नापना, ये आर है ये एल है, तो ये कितना बचेगा, आर माइनस एल होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं अलोंग बी से पी साइड, बी पी ऐसा कर देता हूं। यहां पर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, तो ये हो गया ई बी, इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, अब आप ऐसे निकाल लीजिए, ई ए माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गई आपके पास। ठीक, तो अगर आप ई ए को कैलकुलेट करते हैं तो ये ई ए को मैं अगर कैलकुलेट करूं तो ये ई ए बराबर कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का परिमाण लेते हैं तो ये हो गया क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी कितने के इक्वल हो गई, ये पी स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्शन कहां से ले लें, यहां से पी से ए डायरेक्शन में ले सकते हैं। मैं इसका परिणाम या मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये ई ए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, व्हाट इज बी पी, एपी सॉरी एपी, एपी कितने के इक्वल हो गया, आर प्लस एल, तो दैट इज इक्वल टू आर प्लस एल होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, अब ये दूरी कैसी है, कम है, इसका मतलब है इसकी तीव्रता ज्यादा रहेगी, इसकी तीव्रता अधिक रहेगी। तो टोटल तीव्रता को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा ई बी माइनस ई ए, दैट इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो दिस इक्वल टू ई, ई बी दिस माइनस ई ए दिस।
इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई बी माइनस ई ए, ठीक। इसको आप पॉज करिएगा, या जो मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीपी फाइल भेजा हुआ हूँ उससे भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस है कि इसको पॉज करिएगा, इसको नोट करिएगा, मच बेटर रहेगा, ठीक है। इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायग्राम मैं यही बना देता हूँ। ये पॉइंट मैंने ए लिया था, ये बी लिया था, ठीक। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट पी, ये हो गया था आपके पास ई बी, ये कितने के इक्वल हो गया ई ए, ठीक है। ये हो गया था ओ एल एल, ये हो गया था आर के इक्वल। ये वही डायग्राम चल रहा था, वही डायग्राम है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन कितना आ गया, ई इक्वल टू ई ए माइनस ई बी, नो ठीक, जस्ट अ मिनट, ये मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा ई बी माइनस ई ए, ठीक है। ई बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर, क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ विद, है ना, ई की। अब आप क्या करिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, क्यू को कॉमन ले लीजिए, एलसीएम कितना निकलेगा, आर माइनस एल हो जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर, ये कॉमन है, ये जाएगा, ये बचेगा आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर दिस, ठीक। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, देखिए अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा टू आर एल, माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस टू आर एल अपॉन, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया होल स्क्वायर किया तो ये आ गया आपके पास डायरेक्ट। नाउ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये कितना हो गया फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। अब सभी लोग क्या करो, तुम लोग इसको पॉज करो, इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो मेरे पास रिजल्ट यहां तक आया, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक। रीअरेंज करने से क्या होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं इसको लिख दे रहा हूं क्यू इंटू टू एल इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने अभी क्या बताया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी क्यू इंटू टू एल के इक्वल होता है, तो ये मेरे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी, टू यहाँ कर दिया आर, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। अभी मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डिफाइन कराया था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, अगर दो आवेश बराबर और विपरीत प्रकृति के हैं और उनके बीच की दूरी बहुत छोटी है,
इसका मतलब क्या हो गया, एल बहुत छोटा है किसके कंपेयर, आर के कंपेयर, तो हम इसको निग्लेक्ट कर दें, अलग कर दें, छोड़ दें, तो ई इक्वल टू कितना जाएगा, 1/4 pi epsilon naught 2 pi r/, ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा r/4। इसको सॉल्व कर दीजिए तो r/3 बचेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 2 pi r³ newton/coulomb की वैल्यू के इक्वल आती है। ठीक है, इसको आप वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, है ना, वेक्टर फॉर्मेट लिखना है, E के डायरेक्शन में बता दीजिए, B को तो वेक्टर फॉर्मेट में लिख दीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड के टर्म में आप देख लीजिए। ठीक, इसको पॉज करिएगा, इसको नोट करिएगा, इसका सेकंड कॉन्सेप्ट तो आप देखिएगा, है ना। सेकंड कॉन्सेप्ट में मैं दूसरी स्थिति बता रहा हूं, दूसरी स्थिति है विद्युत दुई थ्रू के कारण निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए। ठीक, इसको तो देखिए आप, बड़ा सिंपल है, निरक्षी स्थिति 90 डिग्री में चली जाती है। मान लीजिए आपके पास एक ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये ओ हो गया, ये एल, और ये इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो आपको मालूम है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना है वहां पर आप क्या कर लीजिए, एकांक धनावेश की कल्पना करिए। जैसे ही आप एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं तो देखिए आपके पास क्या कंडीशन हो रही है, ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपल या प्रतिकर्षित करेगा, ये चला जाएगा। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी कर दूं तो ये हो जाएगा ई बी के। ठीक है, ये माइनस इस प्लस को अपनी साइड आकर्षित करेगा तो ये कैसा आ जाएगा, ई ए के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये मिड पॉइंट से है तो ये वाला कोण भी थीटा, ये वाला कोण भी थीटा, ये चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये चला जाएगा तो आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो ऐसा। ठीक है, तो ये वाला कोण भी कितना जाएगा, थीटा। चलिए इसको दूसरे कलर में कर देता हूं मैं। ठीक, ये आपके पास ये लाइन हो गई, ये हो गई, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक, अब आप वो तो देखिए, अगर मैं यहां पर इस ईबी के कंपोनेंट निकालता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, ईबी कॉस थीटा, और यहां पर कितना चला जाएगा, ईबी साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे आप ए का कंपोनेंट निकालेंगे यहां पे तो यहां पर कितना जाएगा, प्लस ई ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना चला जाएगा, ई ए साइन थीटा चला गया। इसका मतलब है पूरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर पे निकलेगी ऐसा। ठीक, इसी को मैं यहां पर प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, ये सिमिलर होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक, इसको करेक्ट कर देता हूं।
ठीक, देखिए ई ए बराबर माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इस आवेश की इससे दूरी कितने के इक्वल है, एपीएस क्या आ गई। ठीक, दिशा कहां से कहां तक जाएगी, फ्रॉम पी टू ए, पी से ए साइड आएगी। इसको मैग्नीट्यूड या परिमाण के तब में लिखूं तो ये मेरे पास कैसा आ जाएगा, ये ठीक ये इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखिए ये एल है ये आर है तो ये कितना बचेगा आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी कितना जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस एपी, एपी मेरे पास कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये चला जाएगा। ठीक, और सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक, ऐसे आप ईवी निकाल लीजिए, इसके कारण ईबी इक्वल टू प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं ईवी को निकालूं तो ईवी बराबर कितना होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच की दूरी कितने के इक्वल हो गई, बीपी स्क्वायर, इसका डायरेक्शन कहाँ गया, बी से पी साइड, बी पी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आप यहां पे पॉज करिए, तो देखो मेरे पास ई ए ठीक कितना निकला, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे ई बी भी आपका निकला वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इससे क्या पता लगता है, ये तो मैग्नी डायरेक्शन है, मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ई ए बराबर ई बी, इन्हें ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी का मैग्नीट्यूड दोनों कैसे हैं, बराबर है, इसलिए इसके कंपोनेंट ई वी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि थीटा भी इक्वल है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इसलिए ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे,
ठीक है, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, इसलिए कुल तीव्रता कितने के इक्वल हो जाएगी, जो यहाँ पर कॉस थीटा के कंपोनेंट के टर्म में आएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसलिए लिख देता हूँ, इसलिए कुल तीव्रता ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास, थीटा भी दोनों में इक्वल है, कॉस थीटा की कंपोनेंट का डायरेक्शन भी सेम है। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड या परिमाण भी इक्वल है, इसलिए ई ए और ई बी इक्वल होंगे। या तो इनको ई ए लिख दूं या ई बी लिख दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई इक्वल टू ट्वाइस ई ए कॉस थीटा, ये कंडीशन आ जाएगी। ई इक्वल टू टू ए कितने के इक्वल होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, इनटू कॉस थीटा। ये रिजल्ट आया, यहां तक आप नोट करिएगा, ठीक है, पॉज करके अच्छे से नोट कर देना। ई कितने के इक्वल हो गया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस। आप कॉस थीटा यहाँ पे निकाल लीजिए किसी भी त्रिभुज में, चाहे आप त्रिभुज ये वाला ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ओ पी बी, ओ पी बी कॉस थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, इसलिए ई कितने के इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक, तो फॉर्मूले में ये यहाँ पर टू भी आ रहा था, ठीक है, ये कितना जाएगा ट्वाइस क्यू ठीक अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, और कैसा आएगा, ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू टू एल, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट यानी पावर वन बाई टू और इसकी पावर वन, तो पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, इसको आप लिख सकते हैं। वही कंडीशन, पी इक्वल टू कितना आ जाता है, क्यू इंटू टू एल, और एल आर के कंपेयर बहुत छोटा होता है, तो ई इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू इंटू टू एल पी के इक्वल, ये जीरो एक आर स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा आर क्यू। देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति में ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन हो तो देखो, ये आपके पास पी का डायरेक्शन है और ई का डायरेक्शन यहां पर है, यानी दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर आता है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये हम यहां पर प्रूव कर लेते हैं। एक और रिजल्ट हमारे पास आता है, देखिए निरक्षी स्थिति में जो निकला है वो पी था, बाकी अक्षीय स्थिति के जैसे ही यहाँ पे 2P था, इसलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सियल यानी अक्षीय स्थिति में जो होती है वैद्युत ध्रुव के कारण, वो दो गुणित निरक्षीय स्थिति के होती है। ये ध्यान रखिएगा, स्कूल के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी अक्षीय स्थिति में
मैद्री ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। ठीक, तो सारे बच्चे ये नोट करेंगे और मैं अब काउंटिंग शुरू करूंगा। इंटरनल मार्किंग भी आपको चलेगा, तो जो छात्र नहीं भेजेंगे डेफिनेटली उनके नंबर भी कम हो। ठीक, इसलिए आप इनको